हम आप बनाएंगे ओनियन चिकन लच्छेदार पकौड़ा। तो इसके लिए मैंने एक दो मीडियम साइज का ओनियन स्लाइस कर लिया है। अब इसका जो पानी है वो निचोड़ के निकाल देना है। तो ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया, मलमल का कपड़ा, उसमें ये ओनियन ऐड कर रहे हैं। जितना भी थोड़ा बहुत पानी निकलेगा उसे निकाल देना है। इस तरह से करके इसको इस तरह से स्क्वीज करेंगे तो इसका अगर पानी वानी रहा तो ये पूरा निकल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। इसमें पानी नहीं निकल रहा, इसका मतलब इसमें ज्यादा पानी नहीं है, ठीक है। और चिकन को हमने पहले ही मैरिनेट कर दिया था, तो इसको इस चिकन को हमने जूलियन कट कर लिया है लंबा, इस तरह से लंबे में हाफ इंच चौड़ा और लंबा में कट कर लिए हैं, इस तरह से देखिए। और इसमें हमने ऐड किया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, सॉल्ट और ओरिगानो, जो इटालियन हर्ब्स होता है, ओरिगानो, बेसिल, थाइम्स, तो उसका मिक्स हर्ब्स हमने ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है इटालियन हर्ब्स तो आप उसको स्किप भी कर दीजिए, और बाकी सब मसाला जो किचन में होता है वो ऐड करके मैरिनेट करके आप रख दीजिए। तो ये हमने काम पहले से कर दिया है, ठीक है। ओनियन में मैंने हरा धनिया चॉप करके ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, अच्छा से और भर के लीजिएगा, और कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, और ये ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। तो ये सब इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसे मिक्स करना है अच्छे से कि ये अच्छा से कोट हो जाए, ठीक है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से कोट हो गया। पहले हाथ में ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद ये ओनियन का मिक्सचर लेके इसको इस तरह से फैला लीजिए। उसके बाद एक चिकन का पीस इसके ऊपर रखना है और इसे सब तरफ से कवर कर देना है। इस तरह से इस तरह से कवर कर देना।
और इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है कि हमारा चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए।